नमस्कार दोस्तों, मैं श्रवण कायरो कुपिंग गेट से। आज हम इनको हिजामा करेंगे, इनको वेरिकोज, इन पेशेंट को वेरिकोज की तकलीफ है, उस पर हम जहाँ जहाँ पे वेरिकोज की नसें फूली हुई वहाँ पे हम हिजामा करेंगे इनको। ये दूसरी बार हमारे पास हिजामा करवा रहे हैं, 6 महीने पहले करवाया था इन्होंने, तो 6 महीने पहले पैरों में सूजन वगैरह बहुत ज़्यादा थी, तो अब इनकी सूजन वगैरह बहुत कम हो गई। स्प्रेड से पूरा साफ़ कर लेने का, जहाँ जहाँ पे हिजामा करते हो वहाँ पे। ये इस तरीके से करते हैं, पूरा वीडियो को देखते रहिए। ये ऑयल लगा लिया, मेडिकल ऑयल। ये एक सेंटर पॉइंट पे लगाया कपिंग, ये यहाँ पे लगाया, देखिए इस तरीके से। पूरा वीडियो को देखते रहिए। जहाँ जहाँ पे इनकी नसें खुली हुई वहाँ पे हम इनको जमा करेंगे। वेरिकोज नस, वेरिकोज वेन में हिजामा थेरेपी सबसे फायदेमंद है। हिजामा का सबसे अच्छा रिजल्ट है इसमें, इस तरीके से। हिजामा करवाने से पेशेंट को लंबे लंबे समय तक दवा लेने की ज़रूरत नहीं रहती है, ये बिना मेडिसिन काम करता है, ये इस तरीके से। ये फर्स्ट कप लग गया, ये दूसरे पे, ये 11 नंबर ब्लेड है और छोटी वाली शुगर नीडल। ये दोनों हम यूज करते हैं ताकि अच्छे से ब्लडिंग हो जाए, और अच्छे से ब्लडिंग होगी तो पेशेंट को भी अच्छा आराम मिलेगा। हमें सपोर्ट कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए ताकि कोई पेशेंट को आराम मिल सके। ये हिजामा किसी को कमर दर्द होता है, घुटनों में दर्द होता है, नेक पेन होता है, तो आप वहाँ पे भी हिजामा करवा सकते हो। और जिसको साइटी का पेन है उसमें तो उन्होंने हिजामा करवा लिया, तो उसके लिए रामबाण इलाज है। आप हमारे चैनल पे जाइए और पूरा वीडियो देखिए, साइटी का, स्लिपडिक, सर्वाइकल, हर बीमारी का वीडियो डाला हुआ है मैंने, इस तरीके से। हिजामा आप बालों में भी करवा सकते हो, किसी को बाल झड़ने की तकलीफ है, किसी को डेंड्रफ हो गया है, किसी के बाल पतले पड़ गए, तो आप हिजामा करवा सकते हो सर में। हिजामा करने से इम्प्योर ब्लेड बाहर निकल जाएगा, इम्प्योर ब्लेड बाहर निकलेगा तो ग्रोथ भी अच्छा होगा, इस तरीके से। अभी हम निकाल रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप निकालेंगे अभी। ये देखिए इतना इम्प्योर ब्लेड है।
ये इस तरीके से देखिए, सारा गंदा खून निकल रहा है इसमें से। ये इस तरीके से अभी वापस स्प्राइट लगा के पोयोडिन टिंचर और आयोडीन पोयोडिन ये सब कर देने का। ये करने से क्या होता है कि पेशेंट को कोई घाव वगैरह नहीं होता है, अगर पानी वगैरह लग जाए तो कोई टेंशन नहीं है इसमें। ये इस तरीके से ये सारा आयोडीन पोयोडीन टीचर वगैरह सारा हो गया। अभी आगे के साइड करेंगे इनको, ये देखिए इनका पैर भी पूरा ब्लैक हो गया है। तरीके से इनका पैर हो गया जैसे किसी का पैर जला हुआ वैसा। इनको यहाँ पर पता ही नहीं पड़ता है कि कुछ लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ है, सारा सुन हो गया। वीडियो को पूरा देखें, थोड़ा लंबा हो सकता है वीडियो। इस तरीके से हिजामा करवाने के वेरिकोज वेन में अच्छा से अच्छा बेनिफिट है। ये पूछो तो वेरिकोज वेन में सबसे बेस्ट हिजामा थेरेपी है और सबसे फास्ट इलाज है। मैंने कई पेशेंटों का हिजामा थेरेपी से इलाज कर दिया वेरिकोज का, कई पेशेंटों का। इस तरीके से अभी वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें से। मेरा आपसे यही निवेदन है, हम आपके लिए अच्छे से अच्छे जो आप बोलोगे वे हमारे को इस बीमारी का वीडियो बना के भेजो तो हम उस बीमारी का वीडियो बना के भेज देंगे। और कोई आपको बीमारी है तो कि भाई जैसे हमारे को इस तरह की बीमारी है, किसी को है, तो आप उस बंदे का हमारे पास वीडियो बना के भेजें, चाहे आप भारत में रहो या भारत से बाहर रहो, तो हम उस टाइप का आपको वीडियो बना के बता देंगे। हमारे पास तो पेशेंट आते जाते ही रहते हैं और हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो आप ही हमारे लिए कुछ, आपका भी फर्ज बनता है। थैंक यू, आपने हमारी वीडियो देखा। ये इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं हम। एक साथ में आप 6-7 कपिंग कर सकते हो, ज्यादा से ज्यादा 8 कपिंग कर सकते हो। बंदे को 2-3 बार बुला लेने का अगर ज्यादा दर्द हो गया तो। और जो हिजामा थेरेपिस्ट है उनको पूरा इसका एक्सपीरियंस है कैसे करना चाहिए कैसे नहीं करना चाहिए। और हिजामा जो हिजामा थेरेपिस्ट है उन्हीं से ही करवावे, ऐसा नहीं कि घर पे आप ट्राई करो। आजकल तो हर शहर में हर जगह पे कहीं ना कहीं सेंटर मिल जाते हैं हिजामा के, कपिंग थेरेपी के। ये इस तरीके से ये देखिए किस तरीके का ब्लेड जम रहा है। ये इस तरीके से
ये इस तरीके से देखिए, इस तरीके से कर रहे हैं। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। थैंक यू दोस्तों।